हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्नोलॉजी में। और गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, Samsung Galaxy F62 ये वाला डिवाइस लॉन्च होने वाला है दोस्तों इंडिया में बहुत ही जल्दी। और इसमें Samsung ने डाला है अपना जो हाई ग्रेडेड प्रोसेसर है 5G प्रोसेसर Samsung का Exynos 9825। और इस स्मार्टफोन ने यार बहुत ही परेशानियाँ खड़ा कर दिया है यहाँ पे सारे स्मार्टफोन के वर्ल्ड में। तो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये वाला प्रोसेसर Samsung कैसे दे रहा है, क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए इस टाइम लेना सही रहेगा और 5G प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको 110% कंफर्म स्पेक्स बताऊंगा इस स्मार्टफोन के बारे में। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा दोस्तों, ये आपको लेना चाहिए कि नहीं, आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा कि नहीं, तो सब कुछ बताऊंगा। वीडियो शुरुआत करने से पहले चैनल में अगर आप लोग पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन वाले ऑप्शन को दबा के रखो ताकि दोस्तों ऐसे लेटेस्ट न्यूज आपको मिलता रहे जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें। तो सबसे पहले तो बता दूं गाइस, ये जो स्मार्टफोन आने वाला है Samsung की तरफ से कुछ अलग सा यहाँ पे डिजाइनिंग वगैरह के साथ आएगा। सबसे पहले बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात की जाए तो ये जो स्मार्टफोन है आप लोगों को कुछ अलग से डिजाइन के साथ देखने के लिए मिलेगा। पीछे का जो कैमरा है क्वाड हाउसिंग के साथ आएगा दोस्तों, और ये अलग सा यहाँ पे आप लोगों को डिजाइन प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग अगर गौर से देखो तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे में एक फ्लैश भी देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आप लोगों को Samsung का ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगा और डुअल शेड कलर्स के साथ आएंगे दोस्तों, जैसे आप लोग देख सकते हो। फ्रंट में दोस्तों आप लोगों को 60Hz का सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा 6.7 इंच का, और ये बहुत ही अच्छा डिस्प्ले होने वाला है। 60Hz का है दोस्तों, 90Hz का नहीं, लेकिन सुपर एमोलेड प्लस आपको यहां पे फुल HD का रिजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। तो फ्रंट वाला जो यहां पे डिस्प्ले मिलता है सेंटर पंचोल के साथ आता है, जैसे कि Samsung Galaxy M51 में आपको देखने के लिए मिलता था, बिल्कुल वैसा ही आपको इस बार डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा इस वाले स्मार्टफोन में। और अगर चिपसेट के बारे में बात की जाए गाइस, चिपसेट आपको कुछ अलग सा देखने के लिए Samsung का जो ये चिपसेट है 5G चिपसेट है, इसका Antutu स्कोर के बारे में यार कुछ नहीं बताना, आप लोग जाके Google सर्च करके देख लेना। Exynos 9825 एक 7nm का चिपसेट है और आपको डुअल 5G मोड भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो GPU के तरफ से भी तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आप लोगों को स्पेसिफिकेशन इस वाले प्रोसेसर पे देखने के लिए मिल जाएगा। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे आप लोग अगर रैम एंड स्टोरेज वेरियंट के बारे में बात करो तो यहाँ पे रैम एंड स्टोरेज वेरियंट आप लोगों को 6GB 128GB देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों LPDDR4X रैम का भी सपोर्ट है, डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट भी आप लोगों को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों UPS 2.1 का भी आप लोगों को सपोर्ट मिलता है। तो साथ ही साथ यहां पे अगर देखा जाए स्टोरेज एंड रैम वेरिएंट भी आप लोगों को स्मार्टफोन में जबरदस्त देखने के लिए मिलने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ अगर बैटरी के बारे में बात किया जाए तो बैटरी इस बार मॉन्स्टर बैटरी आप लोगों को स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाएगा। 7000mAh का बड़ा सा मैसिव बैटरी आप लोगों को Samsung ने प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ 25W का चार्जर मिलता है, USB टाइप सी का भी सपोर्ट इस बार आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो बॉक्स के अंदर चार्जर मिलेगा, अच्छा खासा आप लोगों को एक्सपीरियंस भी चार्जिंग और बैटरी लाइफ में देखने के लिए मिलेगा इस वाले स्मार्टफोन के अंदर। एनीवेज गाइस, कैमरा के बारे में बात करने से पहले बता दूं, पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको स्क्वायरिस हाउसिंग का डिजाइनिंग देखने के लिए मिलेगा, कुछ अलग सा रहेगा। फ्लैश आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा, 64MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप रहेगा। सामने के साइड में आपको सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा जो कि सिंगल मिडिल में रहता है दोस्तों, और 32MP का ये वाला सेल्फी कैमरा रहने वाला है दोस्तों। तो दोनों ही कैमरा से आप लोग 4K और 30fps से वीडियो रिकॉर्डिंग, स्लो मोज और टाइम लैग्स वगैरह निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको कैमरा हाउसिंग में देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। और अगर एंड्रॉयड वर्जन और UI के बारे में बात की जाए तो एंड्रॉयड 10 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आएगा और One UI 3.0 जो कि Samsung का खुद का UI है, बहुत ही यहाँ पे एक्सपीरियंस अलग सा आपको देखने के लिए स्मार्टफोन में मिलेगा दोस्तों। फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर आप लोग गौर से देखो तो इस बार आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर स्मार्टफोन में मिलेगा। सुपर एमोलेड प्लस का डिस्प्ले है लेकिन दोस्तों इस बार आपको साइड माउंटेड ही देखने के लिए मिल रहा है Samsung की तरफ से। क्यों दोस्तों इस बार मालूम नहीं, लेकिन सुपर एमोलेड डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलना चाहिए था, लेकिन इस बार साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ही आप लोगों को Samsung ने प्रोवाइड किया है इस वाले स्मार्टफोन के अंदर। ओवरऑल अगर प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो मेरे ओपिनियन दोस्तों यहाँ पे आपको 25K के आसपास इसका प्राइसिंग देखने के लिए मिलेगा इंडियन मार्केट में। अब देखा जाए दोस्तों कैसे लॉन्च होता है, किस प्राइस सेगमेंट में, 15 फरवरी को लॉन्च होता है दोस्तों। और अगर आप लोग मेरी ओपिनियन के बारे में बात करो तो इस प्राइस सेगमेंट में ये वाला 5G प्रोसेसर Exynos 9825 बहुत ही रेयर स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ये पहला स्मार्टफोन है इस बजट सेगमेंट के अंदर आपको प्रीमियम फ्लैगशिप
एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा। साथ ही साथ 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप है एंड यहाँ पे आपको 7000 mAh का मैसिव बैटरी मिलता है। और क्या चाहिए, सुपर एमोलेड प्लस का डिस्प्ले है, सभी कुछ यहाँ पे आपको मैसिव टाइप का देखने के लिए मिलता है सैमसंग गैलेक्सी F62 डिवाइस में। तो गाइस देखते हैं, आने से पहले मैंने आपको सारा यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस रिव्यू वगैरह 110% कंफर्म बता दिया। इसी बात पे वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और वीडियो अगर आपको पसंद आया वीडियो पे लाइक करके कमेंट करके जरूर ये चीज बताना इस स्मार्टफोन में आपको सबसे अच्छा चीज कौन सा लगा, और ये स्मार्टफोन अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो तो आप लोग परचेस करोगे कि नहीं कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, चैनल में सब्सक्राइब करके जरूर रख देना क्योंकि ऐसे लेटेस्ट न्यूज वगैरह मैं देता रहता हूं लॉन्च होने से पहले। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही, वीडियो करते हैं आज यहां पे खत्म। सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।